हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीके शर्मा ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ राधा स्वामी सत्संग भवन छतरपुर में। यहाँ का मौसम आपको दिखाता हूँ, काफी अच्छा मौसम हो रहा है और बारिश होने के सुबह सुबह का टाइम है, करीब 8:42 हुआ है। बारिश होने की वजह से मेरे गाड़ी के शीशे में देखिए जैसे फॉग जम गैप हो रही, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिनसे आप लोगों को हेल्प मिले, ताकि अगर आप भी इस सिचुएशन में हो तो आपको भी हेल्प मिले। तो मैं आपको अभी मेरी गाड़ी स्टार्ट है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एसी का ये है कूलिंग और हीटिंग कॉइल के लिए, तो आप अगर एसी में करना चाहते हो, अभी एसी मोड में है ये, और ये इसका फैन है और ये इसका वेंट है इस आपको मोड में करने के लिए। तो अभी मैंने इसको नॉर्मल पे कर दिया है, ये मेरे फेस पे एसी का फ्लो आएगा। तो अगर ये मुझे फॉग हटाना है तो सबसे पहले मैं फैन चलाऊंगा एसी में, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको जो कूलिंग और हीटिंग का इसको करूंगा मैं सेंटर पे, ताकि टेम्परेचर ज्यादा ना कम हो ना ज्यादा हो। और इसको मैं करूंगा शीशे के, इसका फ्लो करूंगा शीशे के ऊपर, देखिए दोस्तों। और अभी जैसे कि एसी चालू हो चुका है, सामने देखिए धीरे धीरे फॉग हट जाएगा, देख रहे हैं दोस्तों, धीरे 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 ये सारा ही क्लीन हो जाएगा। तो इसमें कपड़ा मारने की जरूरत नहीं है, कपड़ा या किसी भी चीज से आपको इसे साफ करेंगे तो इसपे पीछे इस शीशे के पीछे लेमिनेट पन्नी लगी होती है, लैमिनेट टेप कह सकते हैं पूरे शीशे के ऊपर। तो अगर इसको आप वैसे ही साफ करेंगे तो इसपे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे और बाद में जब रात में गाड़ी चलाएंगे आप तो इसका रिफ्लेक्ट पड़ेगा आपकी आंखों के ऊपर, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप इसमें कपड़ा नहीं मारें, अगर ज्यादा ही जरूरी हो तो अखबार या टिश्यू पेपर वगैरह का यूज कर सकते हैं, कपड़ा किसी भी हालत में ना मारें, कपड़ा मारने से स्क्रैच पड़ जाता है, फिर आपको दिक्कत होगी। देखिए दोस्तों, आपके सामने है, बिल्कुल क्लीन हो गया है शीशा, फॉग बिल्कुल ही हट गया है और धीरे 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 करके ये सारे शीशों को अपने आप ही हट जाएगा। ये पीछे का भी देखिए, अभी ये आपको फॉग ही दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसका एयर का फ्लो जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पीछे भी थोड़ी देर में क्लीन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये है राधा स्वामी सत्संग भवन। अगर